बात जोड़ो यात्रा के साथ साथ बात राहुल गांधी के साथ जो शुरू से चलते आ रहे हैं वो भी हमारे साथ उनकी टीम के एक मेंबर मौजूद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं शमा मोहम्मद, उनसे बात करेंगे कि इन 125 दिनों में उन्होंने क्या क्या देखा है और क्या क्या झेला है, आखिरकार कहाँ कोई दिक्कत आई या भाजपा ने उन पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो मैम AMI न्यूज़ में आपका वेलकम है जी। तो इस यात्रा में जब मैं शामिल थी राहुल गांधी के साथ तो हम लोग चलते हैं उनके साथ, लेकिन वो चलते भी हैं लोगों को साथ बात भी करते हैं हर समय, और उसके बाद जब हमका लंच ब्रेक होता है उस समय जब हम लंच खाते हैं वो बस 5-10 मिनट होता है रेस्ट, फिर अगेन वहाँ जो मनरेगा की जो वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, किसान लोग होते हैं, जो भी है, जो सुवेज क्लीनर होता है, सबको मिलते हैं वो समय और उनका जो समस्याएं हैं वो सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हो मन की बात, हमको सबको सुनना है उनकी बात, यहाँ मन की बात नहीं, राहुल जी जनता की बात सुनते हैं और जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं, कैसे उनके साथ उनके साइड से प्रयास करते हैं राहुल गांधी की वो सॉल्व करने के लिए, और वो बोलते हैं कि जो भी है मेमोरेंडम दे दो, फिर उन वो राहुल जी कहते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो ये हम करेंगे इस समस्याओं के लिए। जैसे आपने देखा है कि अभी हिमाचल में हमने वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम, हम आगे एक हफ्ते में किया है, ये है कांग्रेस पार्टी, जो वादा देते हैं वो करते हैं, BJP नहीं है हम। लेकिन भाजपा की तरफ से बोला जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बाद में कर लेना, पहले कांग्रेस को इकट्ठा कर लो, क्या बोलो? इसमें कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इकट्ठा है इस यात्रा में। मैंने क्या देखा है कि जो लोग एंथूस, अभी देखो गुलाम नबी आज़ाद के जो पार्टी से वापस आ रहे लोग जम्मू में, बहुत सारे लोग सीनियर लीडर्स सब वापस इस पार्टी में, तो कहाँ तो कांग्रेस जुड़ रहा है ना, कांग्रेस में लोग आ रहे हैं कभी, हाँ कई लोग जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको देखना कि जो संख्या वापस आ रहे हैं, तो देखा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरा जो देश, जो जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ता को, सबको, सबका मनोबल आगे किया है। अभी आप भाजपा की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में अभी जो नरेंद्र मोदी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम भारत को साथ में लेकर जा रहे हैं, लोगों को साथ में लेकर जा रहे हैं, लोगों के हक की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है इस बारे में कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए क्या पैगाम देना चाहती है? पैगाम ये है कि हमारे भारत जोड़ो की यात्रा के बाद मोदी जी अचानक दिल्ली में एक रैली किया है और उस रैली में कहा है कि जो पश्मिंडा मुस्लिम है, बोरी मुस्लिम है, सिख लोग हैं, उसके पास आउटरीच करो। क्यों अचानक क्या हो गया मोदी जी को कि यही है कि उनको पता चला कि राहुल गांधी भाईचारा के लिए है, एक देश के लिए है, राहुल गांधी को विभाजन नहीं करना है इस देश, विभाजन कौन करता है? अभी देखो मुसलमान के ऊपर भी आप बोरा लोग के पास जाओ, पश्मिंदा मुस्लिम के पास जाओ, वह अभी भी विभाजन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते कि मुस्लिम का आउटरीच करो? ये है कि वहाँ भी विभाजन करके उसको राजनीति करनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी है भाजपा, मोदी और शाह के अंदर, क्योंकि इसी वजह से विभाजन की राजनीति है, विभाजन जितने, और राहुल गांधी देश एक करने के लिए, उनका क्या है, यूनाइटेड इंडिया है, हाँ एक देश। और अभी हमारे नेता आ गया है राहुल गांधी जी, तो ये है राहुल गांधी और रैकेट है, BJP बहुत डर चुके हैं। 2024 में इस यात्रा का क्या फायदा मिलेगा? 100% नहीं, 200% फायदा है कि देखा है कि एक आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन 5 बजे उठ के चल रहा है इतने अनुशासन से, और लोगों की बात सुन रहा है और सबको हाथ गले लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ, ये है संदेश। थैंक यू। तो देखा आपने कि साफ तौर पर जो टीम मेंबर है उनका साफ तौर से कहना है कि इस बात जोड़ो यात्रा का 2024 में फायदा देखने को मिलेगा और कांग्रेस जो है वो उभर कर सामने आती हुई दिखेगी।